नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल HBN 24 न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। लाइक शेयर कीजिए, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मानसून की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के कुछ इलाकों में आज बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जिसके कारण मौसम का टेम्परेचर भी कुछ हद तक नीचे गिरा है। ज़्यादा तो नहीं गिरा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पर बारिश नहीं हुई है वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि बारिश आज शाम तक हरियाणा के हर प्रदेश में, हर राज्य में, सॉरी भारत के हर प्रदेश में, हर राज्य में और हरियाणा के हर जिले में, हर गांव तक बारिश पहुंच जाएगी। यह बारिश आज शाम तक या कल तक आपके द्वार पर पहुंच जाएगी और मानसून की दस्तक 30 तारीख को आपको मिल जाएगी, यानी मानसून की शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही जुलाई चालू होगा वैसे ही मानसून की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं उन इलाकों के बारे में जहां पर 10 या 15 मिनट बारिश होती है तो पानी खड्डों में भर आता है और खड्डे इतने डूंगे होते हैं कि अगर किसी का बाइक का टायर भी चला जाए तो उसको जान भी चली जाती है। ऐसे मामलों में अगर आप रिपोर्ट तलब करेंगे तो काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। गुड़गांव शहर लगा लीजिए, गुड़गांव में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो दिल्ली एक्सप्रेस भी हो जाए, काफ़ी इलाके हो जहाँ पर इतना इतना पानी भर जाता है, जहाँ पर अगर आप पैर रखेंगे तो आप पानी आपके पेट तक पहुँच जाएगा, यानी आप डूब जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा होता रहता है, सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार की लापरवाही की वजह से किसी न किसी की जान चली जाती है। वहाँ पर एक्सपर्ट कहते हैं कि गुड़गांव में ये जगह 200 मीटर ऊंची है, ये जगह नीची है, यानी गुड़गांव की कुछ जगह नीचे हैं कुछ इलाके ऊपर हैं, तो ड्रेन की सुविधा दी जाए, अगर फेल है तो उनको सही किया जाए, पानी निकालने का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया जाए। अगर इलाके नीचे हैं, पानी ऊपर से नीचे आता है तो आप ड्रेन कीजिए, आप बोर कीजिए, आप उचित व्यवस्था कीजिए वहाँ पर पानी निकालने की, ताकि जनता को परेशानी ना हो। चलिए, गुड़गांव के अंदर तो आपने ये इशू दे दिया या ये बता दिया कि यहाँ पर ये असुविधा हो रही है, लेकिन गुड़गांव के छोड़कर आप अन्य जिलों में चल लीजिए, आप हिसार जाइए, आप कैथल जाइए, आप कहीं पर भी जा लीजिए, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर बारिश होने के बाद पानी निकलने की सुविधा दी गई हो। बरवाड़ा लगा लीजिए आप, आदमपुर लगा लीजिए, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी ऊपर तक भर आता है और ऐसे इलाकों में कोई भी सुविधा नहीं दी जाती पानी निकालने की। कम से कम पानी निकालने की सुविधा दी जाए। रोड तो खराब तो चलो है, रोड चलो आप कह देते कि रोड बन जाएंगे, पास हो चुके हैं, चलिए मैं रोडों का इशू नहीं उठाता, रोड तो जनता को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोडों के साथ साथ पानी भर आता है गड्ढों के अंदर जो जान जोखिम में डालते हैं। तो बारिश का सीजन चलो हो रहा है और मैं कहना चाहूँगा जो लोग ये कार्य कर सकते हैं, सरकार के मंत्रियों से, सरकार के नेताओं से, सरकार के कार्यकर्ताओं से, सरकार के वर्करों से, कि आप इन चीज़ों को सही कीजिए ताकि जनता का ध्यान आपकी तरफ जा सके, आप इन चीज़ों को सही कीजिए ताकि जनता को परेशानी ना हो, आप अच्छे कार्य कीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि कई सरकारें आती है, कई ऐलान करते हैं कि हम फ्री में बिजली दे देंगे, हम फ्री में ऐसे कर देंगे, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ऐलान कीजिए कि हम खड्डे भर देंगे, हम सड़कें बना देंगे, विकास के नाम पर वोट मांगिए, ना कि विकास को आप अंदर घर पर लोक कीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि जल भराव के साथ साथ ये बड़ी अपडेट थी कि इन पर कार्य किया जाना चाहिए। बारिश की शुरुआत आज या कल से हो रही है, 30 तारीख से मानसून शुरू हो रही है, तो इस खबरों की रिपोर्ट की वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।